फ्रेंड्स, दिस इज अवेयरनेस रिलेटेड टू कोरोना वायरस और ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज अपने घरों से ना निकलिए और कम से कम कोशिश करिए बाहर निकलने के लिए। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है ड्यू टू कोरोना वायरस, आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो प्लीज 1075, हाँ ये हेल्पलाइन नंबर है हेल्थ मिनिस्ट्री का। अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ होती है और आपको खांसी या जुकाम जैसे कुछ लक्षण होते हैं और आपकी नाक बार बार बह रही होती है, तो कृपया आप 1075 पर कॉल करें, 1075 पर कॉल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम आएगी और वो आपको लेके जाएगी, और इसमें आपको जरूर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको जितना छुपाएंगे उतना ही खतरा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत, आप देख रहे हैं शाश्वत 62। आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है BS6 से BS6 की तरफ, जो टू व्हीलर स्विच हुए हैं उनके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये BS6 और BS4 है क्या। हर साल इंडियन गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स बनाती है फॉर द व्हीकल्स टू पॉल्यूशन कम करने के लिए, और उन्हें कुछ नॉर्म्स पे अपनी जो व्हीकल होता है, वरना ये टू व्हीलर्स होते हैं, इनको खड़ा उतरना पड़ता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, कसौटियाँ होती हैं सरकार के द्वारा जिनपे आपकी जो व्हीकल है या आपका जो टू व्हीलर है उसको इस पे खड़ा उतरेगा, तभी वो इस मार्केट में लॉन्च होने के काबिल है। BS6 का मतलब होता है भारत स्टैंडर्ड, और 4, 6 इससे पहले 3, 2 और BS1 भी आता था जो पॉल्यूशन के मामले में बहुत ज़्यादा थे, बट बदलते समय के साथ जो इंजन है उसको भी डेवलप करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे और ज़्यादा परफॉर्मेंस भी दे। तो BS6 से BS4 की तरफ कुछ टू व्हीलर स्विच हुए हैं। तो हमारे पास आज कुछ लिस्ट है टॉप 10 व्हीकल्स जो कि लॉन्च हुए हैं अभी क्वार्टर कह सकते हैं, फ्रॉम जनवरी फेब मार्च, एंड ड्यू टू कोरोना वायरस द मार्केट हैज बीन ब्लॉक्ड और उतनी सेल्स हो नहीं पा रही है। बट जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, जो बन चुके हैं प्रोडक्ट्स, उन्हें तो सेल करना है इन द मार्केट। एंड सो मेरे पास ये कुछ मैं इन्फॉर्म कर सकूँ कौन कौन से व्हीकल लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले बजाज डोमिनर, ये प्रोडक्ट बजाज की तरफ से है, जो कि बहुत पावरफुल टूइंग व्हीकल है विद अ पावर ऑफ 248.77 सीसी का इसमें इंजन है, एंड इट प्रोड्यूसेस 26.6 bhp ऑफ पावर। इसका जो वेट है वो 180 kg है, और इसका जो प्राइस है 2,60,000 समथिंग अराउंड। और उसके बाद बात करते हैं सेकेंड जो है वो है एप्रिला SR160। एप्रिला जो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, थोड़ी छोटी स्कूटर है, और इसका जो इंजन है वो 160 cc का है। इसका जो वेट है वो 122 kg का है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है मुंबई वो है 1,60,000। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये स्कूटर ही है 166 cc सेगमेंट में, जिसका प्राइस है अराउंड 1,60,000 एक्स शोरूम प्राइस मुंबई। उसके बाद हमारे पास है एक एडवेंचरस और टूरिंग बाइक होंडा एफ्रिकन ट्विन, जो कि होंडा ने अभी लॉन्च की है। इससे पहले ये इंडियन मार्केट में नहीं थी, हालांकि होंडा इसी बाइक को बना के दूसरी कंट्रीज में भी बेचता था, बट ही हैज लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन इंडिया फॉर टूरिंग पर्पस। इसने ट्राइम की टाइगर को थोड़ी सी टक्कर दी है इन द प्राइस, एंड इट जस्ट जो इंजन है वो 1,084 cc का है, और इट प्रोड्यूसेस अ पावर ऑफ 102 bhp। इट इज लाइक अ कार, जो कि आम कार भी नहीं दे पाती 102 bhp की पावर। और इसका जो वेट है वो 245 kg का है, और इसके जो प्राइसेस है वो 15,35,000 एक्स शोरूम प्राइस मुंबई। उसके बाद चौथी कतार में है हमारा यमहा रे ZR125 cc इंजन। इससे पहले जो यमहा का रे आता रे ZR आता स्कूटी आती थी
वो उसका जो इंजन होता था वो 100 सीसी का होता था। यामाहा ने एक अपग्रेड करा है 125 सीसी इंजन का और विच प्रोड्यूसेस 7.9 bhp ऑफ पावर, और इसका जो टोटल वेट है वो है 99 केजेस, अराउंड 100 हम मान सकते हैं। और इसका जो प्राइस है 67,350 rupees, ये एक्स शोरूम प्राइस है। इसमें आपका एक्स शोरूम प्राइसेस मोस्ट प्राइसेस होते हैं जो विदाउट चार्जेस होते हैं, और उसमें आपको प्लेट नंबर इंक्लूडेड नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता और RTO के भी चार्जेस नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं KTM 390 एडवेंचर, विच इज द एडवेंचर छोटी बाइक 220 और 250 के बाद अब 350 के सेगमेंट में KTM ने अपनी KTM एडवेंचर इस मार्केट में लॉन्च करी है, विच हैज 373 सीसी इंजन विच प्रोड्यूसेस 142.3 bhp ऑफ पावर, ग्रेट पावर। एंड इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम मुंबई वो है 290,084 rupees ओनली। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्कूटर का जो अपडेट है वो 20-30 साल बाद है, आई थिंक सो, अगर मैं करेक्ट हूँ तो, बजाज चेतक। हाँ, आपने गानों में बहुत सुना होगा बजाज चेतक के बारे में, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा बजाज चेतक के बारे में, जो कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट था फॉर द बजाज, बट सम हाउ बजाज का फिर उसके बाद फॉल डाउन हो गया था। बट बजाज इज कम बैक विद इट्स चेतक, और ये जो व्हीकल है ये एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। जी हाँ दोस्तों, बजाज ने चेतक को ना कि पेट्रोल और ना ही आम स्कूटी में इसको अपडेट किया, और इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में स्विच कर दिया बजाज चेतक, जो कि इससे पहले पेट्रोल से चलता था, फोर स्ट्रोक इंजन होता था और जिसके गियर हाथ में होते थे एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर हैंड। इसका जो प्राइस है वो 1 lakh rupees है एक्स शोरूम प्राइस मुंबई, और इसकी जो इंजन है उसकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, मेरे पास उसकी अपडेट नहीं है, अगर हो सके मैं आपको जरूर बताता हूँ। उसके बाद 7 नंबर पे है हमारा यमहा का प्रतिनो, जो कि रेट्रो लुक देता है यमहा के यमहा को, और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी सारी चीज बढ़ाई है यमहा की, और ये 100 सीसी से 125 की तरफ स्विच ये भी हुआ है BS4 से BS6 में। तो इसका जो इंजन है वो यमहा फसिनो 125, जैसा कि क्लियर पहले हो गया है 125 सीसी का इसका इंजन रहने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करेगा 8 bhp की पावर, और इसका भी वेट अराउंड 98, आप 100 kgs मान सकते हैं। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है मुंबई वो है 67,640 rupees। जी हाँ दोस्तों, ये एक्स शोरूम प्राइस है। और उसके बाद हमारे पास है एक बहुत ही हॉट बाइक जिसका सबका सपना होता है एक बार जिंदगी में सुजुकी की हायाबुसा चलाने का, तो हमारे पास अपडेट किया है इसमें सुजुकी हमेशा अपमिस नहीं आए हैं। इसका जो इंजन है वो वही है 1340 cc का इंजन, जिसको सुजुकी 1400 cc का इंजन वरना 350 cc का इंजन कहके देती है, और ये 197 bhp की पावर जनरेट करता है, और इसका जो टोटल वेट है वो है 206 kg, और इसकी जो प्राइस है वो है 13,74,941 rupees ओनली एक्स शोरूम प्राइस मुंबई। उसके बाद हमारे पास है ट्रायम का एक चमकता धमकता प्रोडक्ट ट्रायम रॉकेट, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है, और ट्रायम रॉकेट इस बाइक का नाम है, जिसका इंजन है 2458 cc का और 165 bhp की पावर ये प्रोड्यूस करता है, और इसके जो प्राइजेस हैं वो है 18 lakh rupees एक्स शोरूम प्राइस मुंबई। उसके बाद हमारे पास है जावा का पेरक PERAK, प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो माफ कर दीजिएगा, जावा का पेरक विच एज इंजन ऑफ 334 cc विच कैन बी सेड एज 350 cc का इंजन है विच प्रोड्यूसेस 30 bhp ऑफ पावर एंड 179 kg की टोटल
बाइक की वेट है और इसका जो प्राइस है वो 1,94,500 शोरूम प्राइस। हालांकि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बिलो द नाउ।